चलिए आज बात करते हैं SST के चैप्टर 6 ज्योग्राफी की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। सबसे पहले, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर भी नहीं करता लेकिन जॉब भी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में। सेकेंड है, इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आर कंट्री। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरन एक्सचेंज एंड दिस मेड कंट्रीज मोर प्रॉस्परस। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कोल रिलेटेड, जैसे कि एग्रीकल्चर क्या करता है, रॉ मटेरियल दे देता है। इंडस्ट्री क्या करता है, उसके फिनिशिंग गुड्स बना के दे देता है, जैसे कि PVC पाइप्स, मशीन्स, पेस्टिसाइड। तो ये ना एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी बात करते हैं अब इसकी। देखिए, लास्ट डिकेड में 7% पर एनम था, लेकिन सिंस 2003-09 to 10% हो गया है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, 12% चाहिए। तो हमारी NMCC ने स्टार्ट ये इसी मकसद से बनाया गया था कि हमारा जो एक ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाए। इसके बाद बात होती है इंडस्ट्रियल लोकेशंस की। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छे होंगे, लेबर कम उसमें मिल जाएगा लो रेट में, पावर अच्छी होगी, मार्केट होगा, कैपिटल कम लगेगा, तो लीस्ट कॉस्ट में जहाँ बन जाए वहीं पे इंडस्ट्री अपने लोकेट करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल बेसिक की और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव एंड जॉइंट सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट हैवी इंडस्ट्रीज, आई इंडस्ट्रीज, नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज द यूनिक इंडस्ट्रीज इन दिस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है, फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स हो जाती हैं और खुद में ये सेल्फ रिलियंट होता है, रॉ मटेरियल से हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। नाउ कॉटन टेक्सटाइल, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। इंपॉर्टेंस है डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग दिस इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर पावर सप्लाईज इरेटिक एंड अदर प्रॉब्लम्स आर स्टिफ कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। नाउ जूट टेक्सटाइल्स, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, चीप लेबर वेस्ट बंगाल से मिल जाता है, एडजोइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार से भी। However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. Okay. Now sugar industries stand as the second world producer of sugar but occupies the first place in the producer of gur and khansari. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. Now they are going to shift it in Maharashtra because the sucrose content होता है जो ज़्यादा होता है और यहाँ पर अच्छा longer crushing season मिल जाता है। Challenges क्या क्या होते हैं, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching came to productions and the need to maximize the use of baggage.